हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू 3D लर्निंग एकेडमी एंड मॉक जोन। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु प्लान टू प्रिपेयर फॉर सीमैट 2021 एग्जाम, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस सीमैट 2021 कंप्लीट कोर्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ठीक है, सो गाइस द थिंग इज, इस बार सीमैट एक महीना डिले हो गया, आप लोग काफी अच्छी बात है। पहले 28-27 जैन तक होता था सीमैट, इस बार 22 एंड 27 फेब की डेट आई है, तो आपके पास काफी टाइम है। दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च वन न्यू बैच। काफी लोग क्योंकि पिंग कर रहे हैं कि कोई और बैच स्टार्ट हो रहा है इसलिए। एंड जो गाइस ये बैच है, ये आपके सीमैट में हेल्प नहीं करेगा, ये आपका सारा एग्जाम जितने भी नॉन गेट एग्जाम होते हैं, टिस्नेट, एमबीएस, ईटी, एसआरसी, जीबीओ, इवन मैट, एडमा या जो भी है, सब में हेल्प करेगा, क्योंकि सिलेबस और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे कैट की बात नहीं हो रही, कैट अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका सब में हेल्प करेगा। एंड काफी लोग को डाउट होगा कि प्राइसिंग है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस सारे सेक्शंस के बारे में अच्छे से। ठीक है, काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है विद लाइव क्लासेस, 4 फैकल्टीज, क्वांट्स, एलआर, डीआईडीएस, वीएआरसी, जीके, सबके प्रॉपर आपको मटेरियल मिलेगा, आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बीट वीडियोस, बीट लाइव क्लासेस, बीट पीडीएफ, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ। ठीक है, प्राइसिंग बता दूं एक बार आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। प्राइसिंग इसकी 2500 है विथ फुल लेंथ 10 सीमैट मॉक्स। अगर आप ये कोर्स टेस्ट के लिए ले रहे हो तो 10 डिस्मिनट मॉक्स खोल लो। अगर आपको एमबीए सीईटी के लिए मेनली लेना है तो आपको 12 एमबीए सीईटी, मतलब मॉक्स बदल जाएंगे, बाकी सब कंटेंट सेम रहेगा। तो ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं हर सेक्शन के बारे में, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी विद रिव्यूज वगैरह। ठीक है, तो लाइक कर दो, क्योंकि काफी लोग इस तरह का वीडियो को वेट कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि सीमैट में हम लोग फ्री वीडियोज भी काफी डालने वाले हैं। स्नैप अभी तक चल रहा था, अभी स्नैप 3-4 दिन बाद एग्जाम ही उसका 6th को, तो अब सीमैट इसमें फोकस करने वाले हम लोग। ठीक है, कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बात करते हैं क्वांट्स की। तो गाइस, जो क्वांट्स होता है हम लोगों का, बहुत ही फ्लेक्सिबल क्लास चलती है। यू वी गेट रेगुलर व्हाट्सएप क्लासेस एटलीस्ट 4 डेज ए वीक। ठीक है, एटलीस्ट 3-4 डेज ए वीक रेगुलर क्लास होगी। व्हाट्सएप पे कैसे होती है क्लास, व्हाट्सएप आपको एक ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया जाता है। हम लोग कैट की भी क्लास ऐसे ही ले रहे हैं, लास्ट 4 ईयर्स में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एक आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप के, मान लो 10:30 बजे परसेंटेजेस की क्लास है, तो परसेंटेजेस का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अस्यूमिंग कि आपने 10th के बाद क्वांट्स पढ़ी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट पोस्ट होगा, उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन पोस्ट होगा, देन उसका एक एग्जाम्पल पोस्ट होगा विद टेक्स्ट सोल्यूशन एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन। फिर आपको एक क्वेश्चन करने को दिया जाएगा, आप लोग करोगे, उसका सोल्यूशन पोस्ट होगा, उसका ऑडियो, ऐसे करके चलता है। ये खाली आपकी व्हाट्सएप क्लासेस है, आपको अलग से पोर्टल मिलेगा वेबसाइट में, सब कुछ रहेगा उसमें, सारे थ्योरी हैंडआउट, सारे प्रैक्टिस शीट्स, हर एक टॉपिक का वीडियो आपके रेफरेंस के लिए, विच कैन बी वॉच्ड एनी टाइम। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे मान लो आपको पहले शेड्यूल मिल जाता है पूरा, कल मान लो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता प्रॉफिट एंड लॉस, आप क्या कर सकते हो, पोर्टल से वीडियो देख सकते हो सारे, उसके थ्योरी हैंडआउट पढ़ सकते हो, फिर आगे क्लास कर सकते हो। दो, जो हम लोग क्लास में कराते हैं, हम लोग ये अज्यूम नहीं करते कि पोर्टल में कुछ है, हम लोग ऐसे कराते हैं कि यही है जो है मेन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एटलीस्ट 70 कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे आपको क्वांट्स के, कवरिंग इंटायर पोर्शन ऑफ सीमैट। सीमैट में गाइस खास बात क्या है, सीमैट इसमें भी एक टाइप के हैं, ये इजी देते हैं बट डाइवर्सिफाई करते हैं, वो हाइट्स एंड डिस्टेंस दे देगा, वो ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, ऐसे स्टैटिस्टिक्स दे देगा, ऐसा करता है सीमैट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पर्सनलाइज स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा, बता दिया मैंने, प्रॉपर थ्योरी हैंड आउट एंड प्रैक्टिस हैंड आउट्स कवरिंग ईच चैप्टर इन डिटेल। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी थ्योरी है, उसके नीचे उसकी प्रैक्टिस शीट है, उसमें लेवल 2 आपको असाइनमेंट दिया जाता है। जैसे मान लो परसेंटेजेस का हो गया क्लास, असाइनमेंट मिलेगा कि आपको पोर्टल से लगाना है अपने कॉपी में, लेवल 1 मैंडेटरी होती है, कॉपी में लगा के पीडीएफ बना के उसको भेजना होता है आपको ग्रुप में, ऐसे अगर पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। ईच टॉपिक टू बी कवर्ड फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू वन नॉट हायर देन सीमैट, एटलीस्ट 30 टॉपिक टेस्ट फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। टॉपिक टेस्ट हम लोग क्रिएट करना शुरू कर देंगे और वो आपको मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग बाय डायरेक्टली पिंगिंग द फैकल्टी। द बेस्ट थिंग है, बैच साइज यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 30-30 बच्चों का होता है, तो यहाँ पे डाउट क्लियर में कोई इशू नहीं आता है। आप लोग काफी, कुछ लोग काफी वीक होते हैं, काफी समझ नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली फैकल्टी को पूछ लो, कौन से कैसे मुझे पिंग कर लो, मैं रात को 2-2 बजे डाउट क्लियर करता रहता हूँ। इस तरह की फैसिलिटी जहाँ बैच साइज ज्यादा होता है 500-1000 बच्चे, वहाँ पे हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग का शुरू से रहा है, बैच साइज चाहे वो कैट का एग्जाम हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हम लोग बैच साइज में लिमिटेशन लगा रखते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 50 से ज्यादा कभी बैच नहीं हुआ आज तक। ठीक है, वो अलग बात है कि पुराने बच्चे रिवाइज करते रहे, वो अलग बात है, बट नए बच्चे कभी आज तक 50 से ऊपर नहीं लिए लोगों ने। सेपरेट ग्रुप, एक डाउट क्लियरिंग का एक ग्रुप होता है, वहाँ पे काफी एक्टिव है, डाउट क्लियरिंग पुराने बैच के बच्चे भी होता है कि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। इस टाइम पे 130+ बच्चे हैं टोटल। अगर हम लोग बात करें जुलाई से लेकर अब तक नॉन कैट में कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, नॉन कैट में 130 से बच्चे एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, हमने नॉन कैट का कोर्स लास्ट ईयर स्टार्ट किया था दिसंबर में, अभी तक कैट चला रहे थे हम लोग। सेपरेट ग्रुप फॉर कॉन शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो कॉन शॉर्टकट्स के लिए आपको सेपरेट ग्रुप मिलेगा। तो गाइस, इतना कॉन्स करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा कोई भी नॉन कैट एग्जाम हो। कमिंग टू वीएआरसी एंड एलआरडीआई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम उसका ही मिलता है, पहले से पूरा शेड्यूल मिल जाता है कब कौन सी क्लास होनी है। तो जैसे मान लो कल डायरेक्शन सेंस का क्लास है, डायरेक्शन सेंस का वीडियो देखो, उसकी थ्योरी हैंड आउट पढ़ लो, उसके
तुम थोड़ा क्वेश्चंस लगा लो प्रैक्टिस के लिए, फिर क्लास में आओ। क्लास में फैकल्टी क्या करेगी, एक क्वेश्चन पोस्ट करेगी, आपको आंसर देना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन पोस्ट होगा, फिर एक क्वेश्चन, फिर उसका आंसर आपको देना है, फिर सोल्यूशन। तो ये इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो हम लोग का 3 डेज ए वीक है वो तो चले गई, साथ में एक हम लोग ने एडवांस्ड ग्रुप भी बना रखा है इसका, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। जब नए बच्चे होते हैं उनको नहीं करते हैं, बाद में करते हैं ताकि डरो ना, ठीक है, उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाती है उसे। प्रॉपर थ्योरी हैंड आउट्स यहाँ मिलता है फॉर ईच टॉपिक विद प्रैक्टिस शीट्स, 20+ लॉजिकल रीजनिंग के हैंड आउट्स होंगे, एटलीस्ट 15+ वर्बल एबिलिटी हैंड आउट्स होंगे, 30+ वर्बल एंड एलआर वीडियोस कवरिंग ऑल टॉपिक्स। गाइस हमने वीडियोस बनाना काफी शुरू कर दिए हैं, ऑलमोस्ट आपको सब टॉपिक के, चाहे वो इवन आरसी की स्ट्रैटेजी हो उसके वीडियो मिलेंगे, ग्रामर का हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा आपको, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ, आपको बाहर से कोई मतलब ही नहीं। मतलब उसके बाद काफी लोग, आधे लोग तो यही टाइम बर्बाद करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते रह जाते हैं, ऐसा मत करो गाइस, स्ट्रक्चर इसलिए बेटर करती है। हम लोगों ने हमेशा प्रूव किया हुआ है, आगे रिजल्ट देखोगे आप, 2 महीने में ढंग से किया, टफ से टफ सिलेक्शन हुआ लोगों का, 20 सीटें थी जेवीआई में, एमएचआरडी में 20 में भी 4 बच्चे हम लोग के गए, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल स्टडी करी 2 महीने, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, सालों से पढ़ने से नहीं होता, ठीक है। कभी भी आप देखो गाइस 100% जो कैट का होता है कभी भी वो नहीं होगा जो 3 साल से तैयारी कर रहा है, हमेशा फ्रेशर होगा, जनरली इसमें बीटेक के दौरान बाद ही लेके आता है वो स्ट्रक्चरल स्टडी, ठीक है। अराउंड 100+ मिनी असाइनमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक टेस्ट, 25 टॉपिक टेस्ट ऑन वर्बल एंड एलआर, पास्ट ईयर सीमैट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, वो बना दिया मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सपोर्ट बाय डायरेक्टली पिंग द फैकल्टी, यहाँ पे भी फैकल्टी को डायरेक्टली पिंग करो आप, आपकी डाउट क्लियर होगी, तो डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये आपका वीआरसी एंड एलआरडी हो गया। जीके प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जीके की हम लोग की 2 डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं, 4 डे प्रैक्टिस सेशन चलता है, उसमें आपको एक पोर्टल मिलेगा, पोर्टल में सारे स्ट्रैटेजी के हैंड आउट्स, करंट अफेयर्स हैंड आउट्स, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, पेटीएम कॉन्टेस्ट अच्छी चीज है, 15 क्वेश्चन का 10 मिनट का टेस्ट होता है, पहले से सिलेबस बता दिया जाता है, एक प्रॉपर विंडो में 9 से 11 की रात की विंडो होती है, उसमें आपको देना होता है टेस्ट, जो टॉप 2 में आता है उसके 50 रुपीज कैशबैक मिलता है, ठीक है। तो 50+ लाइव टेलीग्राम सेशंस भी होते हैं यहाँ पे, हफ्ते में 4 दिन आधे आधे घंटे के, उसका भी पूरा आपको 1 महीने का शेड्यूल मिल जाएगा कौन सा सेशन होना है, दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजी के हैंडआउट्स यहाँ 25 लिखे हैं, 35 से ज्यादा हो चुके हैं। हम लोगों ने एक जीके के लिए एक वीडियो बनाया है कि पोर्टल से आपको पढ़ना कैसे, वो बताया कि कौन सी आपको फाइल्स पहले पढ़नी, कौन सी बातें पढ़नी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। 12 हैंडआउट्स कवरिंग करंट अफेयर्स, 20+ वीडियोस कवरिंग स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स हैंडआउट्स, एटलीस्ट 40 टॉपिक टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी के, टॉपिक टेस्ट भी हम लोग बनाना शुरू कर देंगे, हम लोगों ने भी 14 बनाए, कुछ बचे हैं वो बनाएंगे। 25 जीके सेक्शनल टेस्ट होंगे ईच, टिस्नेट, टिस्मैट, आईएफटी, जेड एंड सीमैट, ठीक है। 15+ पेटीएम कॉन्टेस्ट, और ज्यादा हो जाएंगे, तो कवर्स ऑल द टॉपिक्स, जीके कोर्स है आपका, सब में काम आएगा, चाहे वो इवन आप जेड दे रहे हो, चाहे एफटी दे रहे हो, चाहे सीमैट दे रहे हो, चाहे टेस्ट दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप जिसमें जीके आती है, ठीक है। तो ये आपका जीके का कोर्स है, इतना कर लो कि देखो, काफी लोग बोलते हैं जीके के लिए कि बहुत कॉन्फिडेंटली कि लूसेंट कर लेंगे हम, लूसेंट करना उतना आसान नहीं गाइस, आपके पास बहुत टाइम है, 2 साल है तो करो, 1 साल तब भी करो, लूसेंट कितना रटोगे, कितना रिवाइज करोगे उसको, बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, लगता है आसान, तो स्ट्रक्चरल स्टडी मैटर करेगी जीके में भी, ठीक है, उतना आसान होता नहीं जीके, जितना आपको लगता है कि लूसेंट से कर लेंगे हो जाएगी, 4 पेज पढ़ोगे बंद कर दोगे अगले दिन, ठीक है। चलो गाइस, हमारा ये 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है, और ये आपका देखो ऐसे टाइम टेबल मिलता है आपको, ये सैंपल है कि टॉपिक कब कौन सी क्लास होनी है, कब कौन सा सेशन होना है, ये आपका जीके का सैंपल है, ठीक है, ये आपका वीएलआरडीआई गाइड, ठीक है, ये आप देख सकते हो। कमिंग टू द प्राइसिंग, मैंने पहले बता दिया प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, 2499 2500 का प्राइस है विद लाइव क्लासेस, आपको मिल जाएंगे कोर्सेस, आप देखोगे आपको मार्केट में कोर्सेस मिलेंगे ऐसे जो रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे बहुत महंगे होंगे, बट यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, सबका अपना अपना होता है, हो सकता है आपको रिकॉर्डेड वीडियोज ही अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोज तो मिल ही रहा है, वो मना नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा लाइव क्लास ही मिल रही है और काफी इकोनॉमिकल, बिकॉज मुझे पता है कि काफी लोगों का पैसा लग चुका है फॉर्म्स वगैरह में, तो हमने ऑलरेडी कम कर दिया है, आज से 2 महीने पहले इसकी कॉस्ट 4000 थी, लोगों ने दिया विदाउट मॉक्स, क्योंकि बट ये टाइम के साथ मैरी करता है, अब टाइम कम है तो पैसा कम करना पड़ेगा, बिकॉज आप उन्होंने ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके हो, ठीक है। कोर्स आपका वैलिड रहेगा 31 मार्च तक, आपको जितने बार वीडियो देखना हो देखो, जितने प्रैक्टिस करनी हो करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप 31 मार्च तक या फिर जो लास्ट एग्जाम आपका होगा सीजन का 8वां मैट तब तक, ठीक है। 10 फुल लेंथ सीमेंट मॉक्स भी है, बहुत रिलेवेंट मॉक्स हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, मॉक्सोन के मॉक्स का देखना, रिव्यूज आपको मिल जाएगा वेबसाइट में, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट जो मॉक्स की वो 800, तो 800 का तो मॉक्स ही होगा इसमें, तो आपको एक तरह से 1700 का कोर्स मिल रहा है विद लाइव क्लासेस, ठीक है। आप देख लेते हैं कुछ रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, या आप देखो हम लोग का 3D रनिंग अकेडमी, हम लोग की 2 कोचिंग है, 3D रनिंग बेसिकली फोकस ऑन कैट, मॉक्सोन फोकस ऑन नॉन कैट कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये देख सकते हो रिव्यूज। काफी लोग डाउट में है व्हाट्सएप क्लासेस कैसे होंगी, आज तक मुझे कोई मिला नहीं जिसने व्हाट्सएप क्लासेस की बुराई की हो, क्योंकि व्हाट्सएप क्लासेस इतनी फ्लेक्सिबल होती है, अगर आप कोई क्लास नहीं भी कर पा रहे हो तो आप आराम से अगले दिन रिफर कर लो नोट्स को, एंड कोई भी डाउट आए, वैसे तो इतना अच्छे समझाते हैं कि चीज की डाउट आएगा नहीं, स्टिल अगर आएगा सीधे फॉरवर्ड करो, मेरे पास ये समझ में नहीं आया,
आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। कभी कभार लेट हो जाता है, मैं नहीं बोल रहा तुरंत आपको दे दूंगा रिप्लाई, बट जनरली आपका 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आप देख सकते हो रिव्यूज, कुछ अपने अकॉर्डिंग पॉज करके देख लेना, ठीक है। सबने व्हाट्सएप क्लासेस के बारे में लिखा हुआ है, ये VALRDIDS का कोर्स भाई, जो VALRDI बोला मैंने, ठीक है। जीके फॉर एमबीए जीके कोर्स, ये JBIMS का है। ये अभी तक के हम लोग कन्वर्ट्स हैं 2-3 साल में जो हैं अच्छे कॉलेजेस के, ठीक है। ये JBIMS MHRD एग्जाम होता है, अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम, JBIMS का HR प्रोग्राम। इसमें 20 सीटें खाली हैं, ठीक है। 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं रिटर्न में, तो 200 में से 24 बच्चे आए थे। इस बार उन्होंने अप्रैल में स्टार्ट किया था कोर्स और जुलाई में एग्जाम होना था, ठीक है। 2-2.5 महीने में लोगों ने कर लिया अच्छे से, द रीजन बीइंग स्ट्रक्चरल स्टडी। फिर यहाँ पे 4 लोगों ने कन्वर्ट भी करा लिया, 20 में से 4 लोग अपने थे, ठीक है। तो वही बात है कि मुझे पूरा अच्छे से पता है कि इस बार टेस्ट में काफी बच्चे मतलब कॉल आने वाला है, काफी लोगों को उसी मैट में भी काफी लोगों को कॉल आने वाला है, बिकॉज सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, काफी स्टडी स्ट्रक्चर वे में कर रहे हैं सब चीजें, अच्छी बात है, ठीक है। ये मैट रिजल्ट हैं, ठीक है। PGDBA का रिजल्ट, PGDBA बहुत अच्छा कॉलेज एग्जाम होता है, इसमें भी 60 ही सीटें खाली होती हैं, 60 में से करीब 600-700 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो लास्ट ईयर स्टार्ट किया था बड़ी बार, उन्होंने 60 बच्चों ने एनरोल किया था, 15-20 बच्चे जो ढंग से फॉलो करते थे क्लासेस, उनके रिजल्ट देख लो आप, वो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा गाइस, बट अगर वाकई कुछ करना चाहते हो, 1 साल बचाना चाहते हो और ढंग से करना चाहते हो, तो जस्ट चेक दिस कोर्स एंड 1 जनवरी न्यू ईयर से स्टार्ट कर दो गाइस पढ़ना अच्छे से। अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है, मैं मान ही नहीं सकता कि आपका अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा गाइस। ये बिजनेस पूरा रिकमेंडेशन का है, हम लोग हमेशा इसी पे ही काम करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, ठीक है, बिकॉज बिलीव नहीं करते। आजकल बच्चे स्मार्ट हैं, बच्चे जानते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आप लोग इतने ग्रुप्स में होते हो, कोई पूछेगा आपसे कि कैसा कोर्स है, अगर आपको बेकार रहेगा तो आप बता मना करोगे, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करते हैं, तो जनरली 80% जो केसेस आते हैं अपने पास, जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वो रिकमेंडेशन से आते हैं और बाकी यूट्यूब से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, चलो गाइस, सो दिस वाज़ अबाउट द वीडियो, काफी बातें हो गई। नीचे डिस्क्रिप्शन में सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो गाइस, 3,000 से ज्यादा बच्चे उसमें हैं। और व्हाट्सएप में मुझे पिंग कर सकते हो कोई डाउट हो, फिर भी मैं और डिटेल शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, एनरोलमेंट लिंक है, यू कैन एनरोल एंड जस्ट सेंड द स्क्रीनशॉट, आपके सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको सारे ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा। एंड जो 1 जनवरी से क्लास है उसकी 31st को आपको पूरा टाइम टेबल शेयर हो जाएगा कि कब कौन सी क्लास होनी है, कैसे होना है, ठीक है। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है गाइस, अच्छे से देख लो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।